अब खबर जांजगीर से। चांपा जिले के पटवारी आज छाता लेकर सड़क पर उतर आए और जांजगीर के कचहरी चौक में नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारी पामगढ़ के थाना प्रभारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वे आंदोलन पर रहेंगे। इसी बात को चेतावनी पटवारी संघ के प्रशासन को दी है। जिले के 256 पटवारी 3 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिन्हें प्रशासन ने प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है। दरअसल पामगढ़ ब्लॉक के हल्का नंबर 23 के पटवारी देवेंद्र साहू ने कोठाभाट के किसान राजकुमार कुर्रे की जमीन का नक्शा दुरुस्त करने के नाम पे 4,000 रुपए की रिश्वत ली थी, जिसका वीडियो किसान ने अपने सहयोगी से बनवा लिया था। पैसे लेने के बावजूद 1.5 महीने तक पटवारी ने किसान का नक्शा अपडेट नहीं किया। तब किसान ने पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, जिसके बाद पटवारी को वायरल वीडियो के आधार पर एसटीएम पामगढ़ ने निलंबित कर दिया। वहीं किसान के आंदोलन पे और आवेदन के आधार पर पामगढ़ के नायब तहसीलदार ने पटवारी देवी साहू के खिलाफ धारा 344 के तहत जुर्म दर्ज कराया था, जिसके बाद 1 जून को दोषी पटवारी को जेल भेज दिया गया। उसके बाद 3 जून को पटवारी संघ के द्वारा पामगढ़ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी के निलंबन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। चूंकि प्रशासन ने पटवारी संघ को आंदोलन को अनुमति नहीं दी है, इसकी वजह से पटवारी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वे छाता लेकर सड़क पर उतर आए हैं और नगाड़ा बजाकर रिश्वत लेने वाले पटवारी देवेंद्र साहू की गिरफ्तारी की विरोध कर रहे हैं। मैं राजेंद्र कुमार चंद्रा पटवारी डबरा में पदस्थ हूँ। हमारी 3 सूत्री मांग है। पहली मांग है हमारी तहसीलदार जो महोदय है उनको सस्पेंड किया जाए, नायब तहसीलदार महोदय को सस्पेंड किया जाए, जो थाना प्रभारी है उनको भी सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ क्योंकि इन्होंने देवेंद्र साहू पटवारी के खिलाफ में बहुत ही गलत तरीका से कार्रवाई किए हैं। देखिए, मैं आपकी माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई किए हैं लोग बहुत गलत तरीके से किए हैं। इनके नाम पे एफ आई आर साढ़े दस बजे किए हैं और इनको उठा कर ले गए 8:30 बजे रात को। ये बहुत ही गलत है। इस मांग को लेकर हमारे जिला के समस्त पटवारी भाइयों के द्वारा लोग धरना में बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती तब तक हम लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे। पंडाल के बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमको परमिशन नहीं दिया गया है, इसलिए इतनी गर्मी में हम लोग छाता लगाकर नगाड़ा बजाकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी जो 3 सूत्री मांग है उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 7वां दिन है हमारे आंदोलन को लेकर, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें कोई भी राहत जैसी कोई भी चीज महसूस नहीं हुआ, यहाँ तक कि हमें पंडाल लगाने की भी सुविधा नहीं दी गई, जिसके विरोध में आज पूरे पटवारी संघ के द्वारा छाता लेके भरे गर्मी में आसमान के नीचे बह रहे धूप में प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। इसी